हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है साजिश शाहिद और मेरा नाम है शिल्पा। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। पहला रोज है और अभी बज रहे हैं 3 और सहरी का टाइम हो गया, तो शिल्पा ऊपर सहरी बनाने जा रही है। घर में सब रोजा रख रहे हैं सिवाय मेरे, क्योंकि मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए मेरा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं भी कोप अप करूँ और आके वापस सारे के सारे रोजे रखूँ। तो शिल्पा शहरी बनाएगी भी और रोजा भी रखेगी कल, और मैं चंडीगढ़ जाऊंगा। तो मैं जा रही हूँ ऊपर, अब मुझे उठाना है अम्मी को। घर में सब रोजा रख रहे हैं, अम्मी, शदाब, फराज, सबको उठाएंगे और मैं जा रही हूँ कुछ सहरी बनाने। सबसे एक्साइटेड मैं रहती हूँ रोजे में जवे बनाने के लिए, क्योंकि अब जवे पता नहीं कौन खाता है, वो सिवैया टाइप होती है छोटी वाली, बाकी मुझे लगता है काफी लोग हाँ जानते होंगे। मुझे अच्छी लगती है। तो उम्मीद करते हैं आपका आज का रोजा अच्छा गया होगा, और क्योंकि पहला है तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे। 30 दिन है, बहुत अच्छे से फास्टिंग करें सबके सब लोग और अच्छे से तिलावत करें। और आप सबने बोला था कि रमजान में प्लीज ब्लॉग्स बनाना। हालांकि साजिद सुबह पंजाब निकल रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरी सेहत की तबीयत थोड़ी खराब है, बट मैं पूरा दिन कवर करूंगी सहरी। पूरा दिन कैसे जाता है, हम इफ्तार में क्या क्या करते हैं, कैसा रहेगा पूरा दिन, मैं पूरी तरीके से कवर करूंगी और आपको व्लॉग दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं ऊपर, फटाफट तैयारी करते हैं सहरी की, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है और उसके बाद सबको उठा के सबको कराएंगे सहरी। अब सहरी तो मैं भी खाऊंगा, लेकिन हाँ वो तो तुम खाओ, बट सहरी खाना भी सवाब का काम होता है। अम्मी कहती है जो रोजा नहीं रखते वो उठ के सहरी तो खा ही सकता है ना। बिल्कुल। हाँ जी दोस्तों, तो हमारी सहरी बन गई है। अब मैं बना रही हूँ रोटियां, फिर मैं उठाऊंगी सबको और फिर करते हैं पहली सहरी सब लोग साथ में। अम्मी, रमजान मुबारक। हाँ, रमजान मुबारक सबको। कर ली सहरी? हाँ, एक सवाल का जवाब दो। सहरी में खाना तो खाया नहीं जाता और पानी भी ज्यादा पिया नहीं जाता, फिर आप कैसे सरवाइव करती हो पूरा दिन? कोई टिप है? हिम्मत मिलती है, अल्लाह ताला हिम्मत देता है तो हो जाता है उससे। हाँ। मेरा तो पेट खाना खा के भर गया है, पानी पीने की जगह ही नहीं बची है। शुरू में नहीं खाया जाता, शुरू में आदत बनने में टाइम लगता है, ये बात तो सच है। अभी हमारे जवे बन रहे हैं और चाय बन रही है, इतना अभी और बाकी है और हमने रोटी तो खा ही ली है। अच्छा एक बात बताओ अम्मी, क्या इरादा है, सारे रोजे रखोगी? हाँ इंशाल्लाह सारे। क्या बात है, हम तो आज स्टार्टिंग कर रहे हैं और साजिद, जैसे मैंने बोला, वो रोजा नहीं रख रहे हैं, उनको जाना है 1 दिन बाद, मुझे भी जाना है, हमारा कुछ पंजाब में शूट चल रहा है वहां पे, तो देखो कितने रोजे रखे जाते हैं। अम्मी तो हर साल डट के सारे रोजे रखती है, एक रोजा नहीं छोड़ती है। चलो भाई, सहरी का टाइम खत्म होने वाला है, बस 20-25 मिनट बचे हैं ना, तो हम फटाफट अपनी चाय पीते हैं, चाय के साथ करते हैं गपशप और फिर मिलते हैं आपसे सुबह। तो हो गई है सुबह और साजिद की पैकिंग की शुरुआत भी हो गई है। तुम क्या स्विमिंग कैप पहन के घूम रहे हो शैतानू? सुबह सुबह भाई की बात लग रट लगा रखी, स्विमिंग जाऊंगा, स्विमिंग जाऊंगा। यहाँ हो रहे हैं जूते पैक, यहाँ इनका सूटकेस पैक, ये जाएंगे उसके बाद हम अपनी पैकिंग शुरू करेंगे। जी जल्दी सवारी जी, चलो जाओ हम तुम्हें कल ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं बहुत जल्दी, तो मैं पहले रोजा मुबारक अच्छे से तारीफ तारी करवाओ सब कुछ। ओके ठीक है, चलो बाय 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 परवेज। हाँ जी दोस्तों, कैसा चल रहा है रोजा? मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अब हो गया है इफ्तारी का टाइम, मुझे करनी है अपनी पैकिंग भी। यहाँ मैंने थोड़ा कुछ शुरू किया था बट अभी ज्यादा नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह निकलना है पंजाब, बट फटाफट अब चलते हैं ऊपर और करते हैं इफ्तारी की तैयारी। सिर्फ 50 मिनट बचे हैं, अब इसमें मैं कितना और क्या बना पाती हूँ देखते हैं। चलो किचन में दौड़ते हैं। सैर, इफ्तारी बनाए? हाँ। आप क्या बनाओगे? नींबू पानी। ठीक है, सैर और फुफ्फो बनाएंगे नींबू पानी और मम्मा पहले स्टार्ट करेगी फ्रूट चाट बनाने से, देखते हैं पहले कौन बनाता है। ठीक है चलो स्टार्ट। कोई बात नहीं, हमारी फ्रूट चाट बिजी है। एक बात बताओ, तुम दोनों इतना ट्रबल करोगे तो मम्मा काम कैसे करेगी, जल्दी बताओ। आपको इफ्तारी में बैठना है? आपको बैठना है? नहीं। चलो अपनी कैप निकालो सहर, चलो जल्दी आ जाओ, इतना परेशान नहीं करते। तो गाइस थोड़ा सा लेट हो गया है और यहाँ पे मैंने कुछ सामान फ्राई करने रख दिया है। फ्रूट चाट मेरी बन गई है
नींबू पानी बन गया है। बच्चों के साथ इफ्तारी बनाना सबसे मुश्किल काम है, दोनों इतना परेशान कर रहे हैं। तो बस अब 10 मिनट और बचे हैं और पहला इफ्तार। आ जाओ सह रेडी हो गई। चलो सबको रमजान मुबारक बोलो, जल्दी जल्दी बोल के जाओ, रमजान मुबारक। और आप क्या करने जा रहे हो? इफ्तारी। चलो जल्दी जाओ, मम्मा ला रही है। हाँ जाओ बैठो। क्या हो रहा है सहरू? अभी टाइम तो होने दो बेटा। साहिर आपने दुआ मांग ली? मछली नहीं है, समोसा है। चलो साहिर, क्या बात है, क्या है? तो दोस्तों कैसा रहा आप सबका पहला रोज़ा? उम्मीद है सबका रोज़ा बहुत अच्छा गया होगा, हम सब का भी बहुत अच्छा गया। बट यस, अब मैं कर रही हूँ पैकिंग, बिकॉज मुझे सुबह निकलना है पंजाब। जैसे कि मैंने आपको बताया था, साजिद जा चुके हैं, हम एक और म्यूज़िक वीडियो लेके आने वाले हैं। पूरी टीम पहुँच गई है, बट मेरी गुड्डी बीमार थी, अभी सो गई है, इसलिए मैं नहीं गई। मुझे तसल्ली तब होती है जब इसका बुखार उतर जाता है, और अब मतलब उतर गया है टचवुड। तो बस अब मैं कर रही हूँ पैकिंग, यहाँ मेरी पैकिंग हो गई है स्टार्ट, ऑलमोस्ट होने वाली है। 12 बज गए हैं, अब मैं सुबह दोबारा जाऊँगी, अम्मी की सहरी बनाऊँगी, फिर रेडी होके सुबह ही आई थिंक 7 बजे निकल जाऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में और देखिए कि कैसे एंट्री करते हैं हम पंजाब में, और साजिद वहाँ पे जो जो कर रहे हैं वो भी मैं आपको पहुँच के दिखाऊँगी। हाँ जी गाइज, गुड मॉर्निंग, निकल पड़े हैं हम लोग पंजाब की तरफ, और निकलते ही आधे घंटे में परवेज को लग गई है बहुत जोर से भूख, तो हम रुके हैं एक ढाबे पे, यहाँ परवेज खाएगा परांठे और चाय, और उसके बाद मैं भी खाऊंगी थोड़ा बहुत, उसके बाद हम बढ़ेंगे। बट भूख इसको ज्यादा लग रही है तो हमने स्टॉपेज लिया है। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ के फेमस सुखदेव ढाबे पर। देखो देखो कौन मिल गया हमें, हम फाइनली आ गए हैं इनके पास। मेरे बिना रहा नहीं जाता ना तुम? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं जहाँ जाता हूँ पीछे पीछे आई जाती है, खैर मेरा ही मन नहीं लगता इसके बिना। तो हम भाई पहुँच गए चंडीगढ़ में, हमारा कुछ काम है कल हम लोग करेंगे, अभी हम लोग कुछ शॉपिंग के लिए आए हैं अर्जेंटली। तो हम शूट के बेसिकली कुछ आउटफिट्स चाहिए, सुबह से हमारा शूट है, उसका व्लॉग मैं सेपरेटली बनाऊंगी, बट अभी हम फिलहाल आ गए शूट के आउटफिट्स लेने। तो चलिए हम करते हैं शूट की तैयारी, और आप ये रमजान वाला व्लॉग और छोटा मोटा मेरा पंजाब ट्रैवल वाला व्लॉग एंजॉय करो। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड हमेशा की तरह कर दो फटाफट। चलो बाय बाय।